पिछले कुछ वर्षों में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई अप्रैल में 91,287 किलोमीटर की तुलना में 50% से अधिक बढ़कर दिसंबर 2021 में लगभग 1,41,000 किलोमीटर हो गई है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राजमार्गों के निर्माण की गति 3 गुना से अधिक बढ़कर 2014-15 में प्रतिदिन 12 किलोमीटर के मुकाबले 2020-21 में 37 किलोमीटर प्रतिदिन हो गई है। इसी दिशा में प्रधानमंत्री द्वारा राज्य मार्गों से संबंधित विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला रखी गई है, जिनमें शामिल है दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे, 179 किलोमीटर लंबा आर्थिक कॉरिडोर, गंगा एक्सप्रेसवे, 6 लेन हरिद्वार स्पर जो हरिद्वार को दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से जोड़ेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने 72 किलोमीटर लंबे वाराणसी गाजीपुर राजमार्ग परियोजना का उद्घाटन भी किया। इसके अतिरिक्त बेहतर कनेक्टिविटी के लिए भारत सरकार द्वारा विभिन्न पहल और परियोजनाएं शुरू की गई हैं, जैसे कि भारतमाला परियोजना, मेरठ में कुल 8,364 करोड़ रुपए की लागत वाली राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाएं, उत्तर पूर्व सड़क क्षेत्र विकास योजना जो एक बाहरी सहायता प्राप्त परियोजना है, दिल्ली वडोदरा एक्सप्रेसवे खंड पर 24 घंटे के भीतर 2.5 किलोमीटर लंबे 4 लेन कंक्रीट फुटपाथ का निर्माण और NH-52 के सोलापुर बीजापुर खंड की 26 किलोमीटर लंबी सिंगल लेन बिटुमेन रोड का निर्माण मात्र 21 घंटे में सरकार के लिए मील के पत्थर साबित हुए हैं। केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार 2022-23 में राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क का 25,000 किलोमीटर तक विस्तार किया जाएगा, जिसके लिए 20,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पीएम गति शक्ति के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़कों का विकास देश की आर्थिक समृद्धि के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ हैं।